नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफी सारी कमाल की गर्मागर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयाँ देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिन है। तो उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पर हमारी रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो की मतलब है कि 10 GB वाला डेटा देने वाली, मतलब कुछ यहाँ पर बातें चल रही है जिसके अंदर कुछ लोग बोल रहे हैं कि होली का ऑफर है, कुछ लोग बोल रहे हैं इसका ऑफर है, कुछ लोग बोल रहे हैं इसका ऑफर है। लेकिन मतलब दरअसल है क्या चीज़, ये कहाँ से मतलब क्यों दे रहा है जियो 10 GB डेटा कस्टमर्स को क्यों दे रहा हो, किस किस को ये डेटा मिलने वाले हैं, इसके लिए मैं जो है एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको काफ़ी ठीक तरह से मैं समझाऊंगा किस प्रकार से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या जो आपने पहले किया था जिसके चलते ये सब आपको मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, कल आएगा। अगली अपडेट निकल के आ रही है एंड्रॉयड पी को लेकर। एंड्रॉयड पी के अंदर जो है आयरिस सेंसर सपोर्ट आपको मिलेगा, जो कि नॉर्मल मोबाइल को भी आयरिस ही स्कैनिंग करने के लिए मतलब कुछ यहाँ पर बना रहा है गूगल। अगर निकल के आता देखेंगे क्या होता है, मतलब कैमरा वैमरा भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर होना चाहिए। अभी जो है कंपनी जो कि आयरिस ही स्कैनर को मतलब लगा रही है मोबाइल के अंदर, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S9 S9 Plus के अंदर लगाया था, वो अपना जो सॉफ्टवेयर उन्हें बनाना पड़ता है, लेकिन अभी जो है गूगल ही ये दे देगा, उसके चलते काफ़ी कुछ यहाँ पर होने वाला है। और उसी के साथ साथ एक और मतलब बात यहाँ पर बता देता हूँ, एंड्रॉयड पी का जो डेवलपर प्रीव्यू है वो अभी जो है 16-17 मार्च तक जो है निकल के आने वाला। अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया है तो उन सभी को वो मिल जाएगा। अगली अपडेट निकल के आ रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस जो है यूज़ कर रही है एप्पल और गूगल के ऊपर पत्थर बरसाने वालों को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी बीबी गन्स का मतलब यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कैमरा में उनकी फ़ोटो कुछ कैद हुई होगी, उन्हीं के चलते जो है फीड में इन गन्स के द्वारा उन्हें ढूंढा जा रहा है। अगर ये पकड़ लेती हैं तो पुलिस जो उन्हें जल्दी से पकड़ लेगी, तो पुलिस को ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरफ से। पहले भी हमने बात की थी, अभी जो है एरिजोना और कैलिफोर्निया के अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार जो है लॉन्च करने की तैयारी है। लॉन्च करने से 1-2 महीने तक के अभी जो है 500 कार्स को कैलिफोर्निया और एरिजोना जो है शहर उनके अंदर मतलब पीपल या फिर पब्लिक के बीच में जो है आराम से चला चला कर देख रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं होती है तो उसके बाद जो है वहाँ पर सबको दे दी जाएंगी, जो मतलब यहाँ पर पहले से बुकिंग की हुई है लोगों ने उन सबको ये कार्स दे दी जाएंगी, जो कि खुद स्मार्ट हैं और अपने आप ही सेल्फ ड्राइविंग करती हैं। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना सब उसके अंदर मैप सिस्टम है, उसके अंदर लगाइए और चले जाइए। लगभग 1 महीने बाद फिर से देखते हैं यहाँ पर लॉन्च होने के बाद कितना नुकसान होता है और कितना होता है फायदा सेल्फ ड्राइविंग कार्स के साथ। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है स्मार्ट लाइट्स को लेकर। चाइनीज बाजार के अंदर फिर चाइना मार्केट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी स्मार्ट लाइट्स मतलब बनी हुई हैं, जैसे कि मैंने भी कुछ लाइट्स वगैरह लगाई हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं चमक रही हैं इस प्रकार की। ये तो बिल्कुल मतलब लो लाइट है, लेकिन इससे भी एडवांस ऐसी लाइट्स निकल के आ रही है, जैसा कि फोटो में आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आप अपने घर को जो है पूरी तरह मतलब मूवीज स्टाइल में सजा सकते हैं। अगर 2-4 लाइट आप मतलब परचेज करके अपने घर के अंदर लगा देते हैं तो आपका घर जो है आलीशान अजीब कुछ अलग आपको देखने में मतलब मजा आएगा। तो ये काफ़ी सारे लोग जो हैं इसी के ऊपर जुटे हुए हैं अपने घर में इस प्रकार की लाइट्स लगाने को। तो लाइट्स का जो मार्केट है वो काफ़ी हाई लेवल के ऊपर तरक्की करता चला जा रहा है, क्योंकि सभी को चाहिए ये लाइट्स। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल जो है प्रीमियम गूगल होम डिवाइसेज यहाँ पर कुछ बना रहा है, जो कि स्टीरियो स्पीकर है जिसके अंदर आपको गूगल असिस्टेंट मिलेगा। अभी जो है प्रीमियम पे काम कर रहा है, जो कि किसी प्रकार की गड़बड़ के चलते मतलब बाद में कुछ भी दिक्कत निकल के ना आए उसके चलते जो है प्रीमियम डिवाइस बना रहा है। थोड़ी सी कॉस्टली होंगी, लेकिन गूगल की मतलब जो भी चीज़ हैं जो भी डिवाइसेज हैं जो भी केसेस हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि गूगल उन्हें ठीक से सावधानी से देखने परखने के बाद जो है मार्केट में या फिर हम तक पहुँचाता है। काफ़ी मतलब एक अच्छी बात ये भी हो जाती है। अगली अपडेट निकल के आ रही है काफ़ी मज़ेदार। एलोन मस्क की जो मोम है वो भी वेट कर रही हैं टेस्ला 3 मॉडल के उन तक पहुंचने का, मतलब उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है और उन तक भी जो है मतलब ऑर्डर के हिसाब से ही टेस्ला 3 मॉडल पहुंचेगा। ये है न्याय वाली बात, सभी को समान रूप से मतलब जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। तो एलोन मस्क ने भी वैसा ही किया है, अपनी मोम को भी जो है डायरेक्टली एक कार नहीं दी, क्योंकि मोम ने भी जो है
डिलीवरी के लिए मतलब अभी वेट कर रही हैं, जबकि दो तीन दिन बाद उन्हें कार मिल जाएगी। सुर्खियों में छाई हुई है ये खबर भी, काफ़ी मतलब अजीब बात है और काफ़ी अच्छी बात भी है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है चैटबॉट की तरफ से। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ऑफिस में जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, काफ़ी बार जो है ऑफिस के अंदर उन्हें कोई काम नहीं होता बीच बीच में, तो वो थोड़ी सी हो जाते हैं वो, तो उनको जो है चैटबॉट यहाँ पर काफ़ी मतलब मदद देता है, उनका हरासमेंट जो है दूर कर देता है जब वो काम करते हैं उस टाइम के ऊपर। चैटबॉट होता है कंप्यूटर जो कि एक सर्वर से कनेक्टेड होता है और वहाँ पर जो आपको मिलती है एक एप्लीकेशन। पहले भी जो है काफ़ी सारी एप्लीकेशन निकल के आई, लेकिन चैटबॉट की भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर या फिर iOS स्टोर के ऊपर मिल जाती हैं। अगर उनसे आप मतलब कुछ भी वहाँ पर लिखते हैं तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है कंप्यूटर के द्वारा, तो आप उनसे जो है बात कर सकते हैं और वो कंप्यूटर जो है लर्निंग मशीन है, वो सीखते चले जाते हैं आप किस प्रकार से बात करते हैं, उसी प्रकार से आपको बाद में यहाँ पर हंसाते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अभी नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है MWC 2018 से डायरेक्ट 5G डाटा स्पीड को लेकर इंटेल ने कुछ बयान दिए हैं कि काफ़ी सारे मतलब कंपनीज ने इंटेल के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है 5G मोडेम को लेकर। अब इंटेल जो है जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उनके लिए भी 5G मोडेम बना रहा है, और जो कंप्यूटर हैं उनकी भी फोन रिच बढ़ाने के लिए यहाँ पर 5G का मतलब निर्माण कर रहा है, यानी एक मोडेम बना रहा है जो कि हाई स्पीड से किसी भी रुकावट के बिना चलने वाला एक ऐसा मोडेम जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम घर से बैठे बैठे देख सकते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, और कंप्यूटर भी मतलब किसी प्रकार की रुकावट महसूस ना करें कभी, क्योंकि हम हो जाते हैं परेशान अगर ऐसी रुकावट यहाँ पर निकल के आती है। तो इस प्रकार से जो है इंटेल ने कुछ यहाँ पर बयान दिए हैं। तो यहाँ पर निकल के आया है XWM 8000 सीरीज के साथ जो है यहाँ पर कुछ काम कर रहा है, और ड्राइवरलेस कार्स वगैरह हैं उनके लिए भी ये मोडेम है ताकि उन्हें असुविधा ना हो इंटरनेट कनेक्टिविटी की कभी भी फ्यूचर में, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। अगली अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पर हेल्थ केयर कंपेशन एक रोबोट की तरफ से, और ये रोबोट है लगभग एक अलार्म घड़ी की तरफ काम करता है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। आप में भूल जाते हैं, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है तो आपको दी है 9 बजे लेने का या फिर 2 बजे 5 बजे 6 बजे, आप भूल जाते हैं, टाइम अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो मेडिसिन जो है ठीक से यहाँ पर काम नहीं करती है। लेकिन ये जो कैंपेन रोबोट है ये यही काम करता है, आपको याद दिलाता है कि आपको जो है टेबलेट लेने का वक्त हो गया, आपको इस टाइम पे अभी ये टेबलेट लेनी है, पहले से उसमें फिट करने के बाद जो है वो आपको यहाँ पर बता देता है, तो आपकी मेडिसिन आपको समय पर मिल जाती है। अगली अपडेट निकल के आ रही है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने जो है चाइना के अंदर 40 इंच का टीवी 4 जो है लॉन्च कर दिया है, और 7 मार्च को मतलब इंडिया में लॉन्च करने की भी कुछ यहाँ पर बात निकल के आ रही है। इसकी कीमत काफ़ी कम यहाँ पर बताई गई है, 1699 चाइनीज युआन के अंदर लॉन्च किया है, तो इंडिया के अंदर लगभग 17,000 से 18,000 रुपये बनते हैं, मतलब 20,000 रुपये के आसपास एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। GST वगैरह लगने के बाद जो इतना हो जाएगा 20,000 रुपये में आपको एक 40 इंच का जो है मतलब 40 इंच का एक बड़ा सा टीवी मिल जाएगा। अभी ये टीवी मतलब स्मार्ट टीवी है या फिर नहीं है तो पता नहीं, लेकिन निकल के आएगा तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग भी जो है टीवी लॉन्च कर रहा है 9 मार्च को न्यूयॉर्क में जो है पहली इसकी लॉन्चिंग है। फुल QLED ये टीवी है, इसकी साइज वगैरह नहीं पता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन का टीवी है। अभी हाल ही में लास्ट जनरेशन जो है सैमसंग को लॉन्च करनी थी, उसी के चलते जो है इस टीवी के अंदर वो जनरेशन लगा के अभी लॉन्च कर रहा है 9 तारीख को न्यूयॉर्क के अंदर। उसके बाद जो है पता नहीं कहाँ लॉन्च करेगा, कब तक इंडिया पहुँचेगा, कब तक आप लेंगे ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन सैमसंग के जो टीवीज होते हैं वो काफ़ी एडवांस होते हैं, काफ़ी उमदा टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जाते हैं, काफ़ी स्मार्ट होते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी डिस्प्ले भी होती है, तो उनकी कीमत भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब एक बड़ी सी कीमत यहाँ पर आपको देनी होगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ अपडेट्स, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कोशिश करी आपको और अच्छे से यहाँ पर बताने की, और मैं रोज़ कोशिश करता रहता हूँ मतलब अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ, तो आप भी होंगे आज लेटेस्ट अपडेट के साथ अपडेट। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को कर ले सब्सक्राइब ऐसी वीडियो रोज देखते रहने के लिए, और लाइक कर दे वीडियो को, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें पता चले हम भी आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।